हेलो भाई, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा, इसरो का एक यूनिट है UR राव सैटेलाइट सेंटर की तरफ से जिसका नोटिफिकेशन निकाली गई थी। तो इस नोटिफिकेशन में जो टोटल नंबर ऑफ सीट, कितने सीटों की संख्या थी, कब तक इसका लास्ट डेट था, इस फॉर्म को हम लोग 10 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी जारी किया है कि इसमें जो है नंबर ऑफ सीटों कितनी थी, उस सीट में जो है लगभग कितने आवेदन यहाँ पर किए गए हैं, तो सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। लगभग जो है उस वैकेंसी में जो टोटल 220 प्लस सीटें थे, लेकिन जो है अप्रोक्सीमेटली जो है फॉर्म आवेदन आए हैं, आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 85,062 लड़कों ने इस रिगार्डिंग जो है इस फॉर्म को अप्लाई किए थे। हम लोग जानेंगे कि किस किस स्टेट में सीटों की संख्या क्या थी, कौन कौन सीट वाले बच्चे जो कितने कितने फॉर्म आवेदन आए गए, और सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। उसके बाद हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो है आपका एग्जाम कब तक होने वाला है, संभावना कब तक हो सकता है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे जो भी फिटर ट्रेड्स हैं, फिटर ट्रेड्स के लिए जो है कौन कौन चैप्टर जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, और यदि आप हमें चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको दोनों एक साथ बताएंगे कि नंबर वैकेंसी कितनी थी, उस सीट में कितना सीट वहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी, और उस सीट में जो है कितने आवेदन यहाँ पर भरे गए हैं, वो अभी हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, अभी जो आपके स्क्रीन में दो स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या इसके रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं है। सबसे पहले इसको हम लोग जूम करते हैं, जूम करने के बाद आपको क्लियर मेंशन हो रहा दिख रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर URSC, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं URSC करके ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका क्लियर है ना। उसके बाद जब हम आगे जब ज़्यादा हम लोग डिटेल्स नहीं करेंगे, हम लोग केवल इसमें का इसलिए हेल्प इसका लेंगे क्योंकि जो हम लोग जानेंगे इसमें जो सीट कितना था, है ना, वो हम आपको साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको भी जूम कर लेते हैं, चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नंबर वैकेंसी दो थी, लेकिन इस दो सीट के रिगार्डिंग जो लगभग 58 जो है फॉर्म भरे गए हैं। उसी तरह जो हम लोग आगे देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे जो, उसके बाद मटेरियल साइंस, आप देख सकते हैं मेटल साइंस में एक सीट था, लेकिन मेटल साइंस की रिगार्डिंग जो है 350 आवेदन भरे गए हैं, है ना, देख सकते हैं स्क्रीन में। उसके बाद हम लोग जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स मिलेगा, मैथमेटिक्स में भी एक सीट था, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो है आपका 394 यहाँ पे फॉर्म आवेदन आए गए हैं। उसी तरह हम लोग बात करेंगे जो हम लोग IT ट्रेड है उसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे फिजिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, है ना, देखते हैं मशीनिस्ट का जो यहाँ पे कितना सीटों की संख्या थी, एक सेकेंड, फिजिक्स इलेक्ट्रिकल, आपका इलेक्ट्रिकल में जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में सीटों की संख्या, इलेक्ट्रिकल में 13 सीट था, है ना, 13 सीट है, लेकिन जो है अप्रोक्सीमेटली इसमें जो है इलेक्ट्रिकल में कितने 14,966 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं कितना हाई यहाँ पे कंपटीशन देखने को आपको मिल रहा होगा। उसी तरह हम लोग बात करें फिटर ट्रेड में, तो फिटर में जो देख सकते हैं टोटल जो है 17 सीट है, लेकिन 17 सीट के रिगार्डिंग जो 13,515 बच्चों ने फॉर्म को आवेदन दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल रहा होगा। 17 सीट में जो है आपका 13,515 बच्चों ने इसके रिगार्डिंग फॉर्म आवेदन भरे हैं, तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको हर चैप्टर से जो जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को यहाँ पे देख के जाना होगा, क्योंकि जो आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है यहाँ पे आवेदन आए गए, लेकिन कितने लड़के वहाँ पर अटेंड करते हैं देखने को सकता है। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि फिटर ट्रेड में जो कौन कौन चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, है ना, तो आप इन तक बने रहें। उसके बाद देख सकते हैं प्लम्बर का, प्लम्बर जो टोटल 3 सीट था, लेकिन प्लम्बर के लिए जो लगभग 1,000 बच्चों ने फॉर्म आवेदन दिया है ना। उस तरह जब इसको आप स्क्रॉल करोगे टर्नर का, टर्नर में जो है 2 सीट था, लेकिन टर्नर वाले बच्चे कितना 809 यहाँ पर आवेदन आया है। उसी तरह आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके कारपेंटर में 3 था, लेकिन कारपेंटर में 749 बच्चों ने फॉर्म का आवेदन भरा है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें मशीनिस्ट में, मशीनिस्ट में टोटल 5 सीट था, लेकिन मशीनिस्ट के लिए जो 1,515 बच्चे ने यहाँ पे आवेदन दिया। उसी तरह जो आप इसको मिला सकते हैं वेल्डर में, आप देख सकते हैं वेल्डर में 2 सीट है, लेकिन काफ़ी यहाँ भी बहुत ज़्यादा
आवेदन आया है, 1836 बच्चों ने इस फॉर्म को भरा है। एक सीट में 900 बच्चों ने यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इसे जिनको भी मौका मिल रहा है एग्ज़ाम अटेंड करने का, एग्ज़ाम देने का, तो वो ज़रूर एग्ज़ाम देने जाए और अच्छी तरह से जाए, क्योंकि ये जो संख्या, ये जो कारवा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पहले जो संख्या कम था एग्ज़ाम के, लेकिन अब जो कंपटीशन बहुत ही हार्ड हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा अपने स्तर में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको टेक्निकल को भी, है ना। देख सकते ड्राफ्ट मैकेनिकल अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट मैकेनिकल में यहाँ पर 11 सीट था, लेकिन देख सकते बच्चों ने 1477 बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म को आवेदन किए हैं, है ना। तो इसी तरह आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर सीट कितना कितना है, है ना। ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि, सिविल मैकेनिकल, यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है ना। उसी तरह यहाँ पर भी डिटेल दिया हुआ है कौन कौन बच्चों ने यहाँ पे कौन कितने कितने फॉर्म यहाँ पे आवेदन किए। क्लियर यहाँ पे नहीं है कि ओबीसी के लिए कितने हैं, ओएसटी के लिए कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, जनरल के कितने बच्चे फॉर्म भरे, ये क्लियर नहीं किया, लेकिन एक सीट में कितने बच्चे हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आवेदन यहाँ पर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, और ऐसा अंदाज़ा लगा इसका जो एग्ज़ाम होने वाला, ये जो पब्लिश हुआ है आज ही के डेट पर पब्लिश हुआ है, आप यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, है ना। बट ये जो आप इसके इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस पीडीएफ फाइल को वहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यदि कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो इसका जो एग्ज़ाम है लगभग आपका अप्रैल महीना में जो एग्ज़ाम होने का संभावना है, है ना। आप तैयारी कर लीजिए, आपके बीच जो टाइम नहीं है, इसका जो एग्ज़ाम है अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम आपका होगा अप्रैल महीना में होने वाला है, अप्रैल का लास्ट वीक नहीं तो फिर मई का फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा, है ना। तो जो बच्चे फिटर से या जो बच्चे फिटर या टर्नर जो मशीनिस्ट है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इनके जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, है ना, इसरो के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले उसको आप सेट करिए, है ना। उस पॉइंट से किसी भी कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे छुटाना चाहिए, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पे आपको एक बार देख लेना। उसके बाद जितने भी ऑप्शन होते हैं ABC चारों ऑप्शन के द्वारा जो आपको वहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है, है ना, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जितने भी नीमी के क्वेश्चन बैंक है, सारे नीमी क्वेश्चन बैंक को क्लियर करना है। उसके बाद नीमी बुक को एक दो बार पढ़ना है, और जो उसके बाद अगर टाइम मिलता है आपको तो रॉयल का भी है उसको भी पढ़ना है। उसके बाद जो आपको क्विज लगाना है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप क्विज अटेंड करें, है ना, तब जाके जो आपको जितने भी डाउट होते हैं वो एग्ज़ाम में गलती नहीं होते हैं। तो क्विज लगाने से फ़ायदा होता है कि जो भी आप अगर यहाँ पे गलती करोगे तो वो गलती जो है आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपको गलत की संभावना कम हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले जो है आप क्विज लगाएं, है ना, और जितने भी क्वेश्चन बैंक हो सारे क्वेश्चन बैंक को आप अच्छी तरीके से उसको देख लें, है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आते हैं क्या करना है नहीं करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका जब भी अगर एडमिट कार्ड आता है तो हम आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिल्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।